हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है खगह वानरह चाह, जो हमने लिया है आपकी क्लास 8th की संस्कृत निर्झरम पाठ्यपुस्तक से। ये आपकी पाठ्यपुस्तक का चौथा पाठ है, ठीक है, जो आपके कोर्स में है, आपको पढ़ना है, ठीक है। खगा वानरा चाह, खगा मीन्स होता है पक्षी, वानरा मतलब बंदर, चाह मतलब और। तो क्या मतलब हुआ इसका, पक्षी और बंदर। तो इसमें कहानी है पक्षियों की और एक बंदर की। आपके एग्जाम में बच्चों इस चैप्टर से हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आएगा, ठीक है। संस्कृत का पैराग्राफ एक दे रखा होगा कुछ लाइनें, और उसका हिंदी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने के लिए बोलेगा, ठीक है। इसमें देखिए एक श्लोक भी है, तो ये भी आ सकता है, श्लोक भी आ सकता है और गद्य भी आ सकता है, जो एक कहानी है, ठीक है। तो आप उसका इसका संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्झरम के खगह वानरा चाह नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। अगर श्लोक आ जाता है ये वाला, तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्झरम के खगह वानरा चाह नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो उसमें आपको, उसके बाद आप इसका हिंदी अनुवाद करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, आप हिंदी अनुवाद कर पाएँ इसलिए उसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, आपको पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम आपको हिंदी अनुवाद ही बताएंगे संस्कृत पढ़ते हुए। चलिए पढ़ते हैं पक्षियों और बंदर की कहानी। एकस्मिन् नदी तटे सघनः वृक्षः आसीत्। एकस्मिन् एक नदी तटे, नदी के किनारे, सघनः घने, घनः वृक्षः वृक्ष आसीत् था। एकस्मिन् एक नदी तटे, नदी के किनारे, सघना घना वृक्षः वृक्ष आसीत् था। एक नदी के किनारे एक घना वृक्ष था, एक नदी के किनारे घना वृक्ष था, ठीक है, ये होगा। तस्योपरि अनेकानि नीडानि आसन, तस्योपरि, तस्य उपरि, इसका विच्छेद करेंगे, तस्य उपरि होगा, यानी कि तस्य मतलब उसके ऊपर, मतलब ऊपर, उसके ऊपर अनेकानि अनेक नीडानि घोंसले आसन थे, उसके ऊपर अनेक घोंसले थे। ये सुखगह स्वसावके सह सुखेन अवसन, ये सु जिसमें खगह पक्षी स्वसाव के अपने बच्चों के सह साथ सुखेन सुख से अवसन रहते थे, जिसमें पक्षी अपने बच्चों के साथ सुख से रहते थे। एकदह भृशम वृष्टिर भवत, एकदह एक बार भृशम बहुत ज़्यादा यानी कि भयंकर, एक बार बहुत ज़्यादा वृष्टि बहुत बारिश, वृष्टि मतलब बारिश, अभवत मतलब हुई, एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई। सर्वे पशवः स्वप्राणान् रक्षितुम् इतस्ततः अधावन, सर्वे पशवः सभी पशु स्वप्राणेन अपने प्राणों की रक्षितुम् रक्षा करने के लिए इतस्ततः इधर उधर अधावन दौड़ने लगे। सभी पशु अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। खगह अतीव आनंदिता आसन, खगह मीन्स पक्षी, अतीव मतलब बहुत, आनंदिता आनंदित या खुश आसन थे, पक्षी बहुत खुश थे। ते सुखेन स्वेषु निदेशु कूजंत इस्मा, क्या कह रहे हैं, ते सुखेन वे सुख से, स्वे सुनिदेश अपने घोंसले में कूजंत स्मा कूंज रहे थे, यानी कि कूंक रहे थे, वे सुख से अपने घोंसले में कूंक रहे थे। अकस्मात, अकस्मात तत्र एकः वानरः आगतः, अकस्मात मीन्स अचानक, तत्र मीन्स वहाँ, एकः एक वानरः बंदर, आगतः आ गया, अचानक वहाँ पर एक बंदर आ गया। तम सीतात कंपमानम दृष्टवा एको खगह अवदत, तम उसे सीतात ठंड से, सीतात मतलब ठंड से, कंपमानम कांपता हुआ, दृष्टवा देखकर एको एक खगह पक्षी अवदत बोला, उसको
ठंड से कांपते हुए देखकर एक पक्षी बोला, क्या बोला, हे वानर तुम शीत काले, ग्रीष्म काले, वर्षा काले चा क्लिश्यमानः तिष्ठसि, क्या कहा उसने, तुम हे वानर, हे बंदर, तुम शीत काले ठंडी के मौसम में, ग्रीष्म काले गर्मी के मौसम में, वर्षा काले और च और वर्षा के मौसम में क्लिश्यमानः कष्ट सहते हुए तिष्ठसि बैठे रहते हो। तुम हे बंदर, तुम ठंडियों में, गर्मियों में और बरसात में कष्ट सहते हुए बैठे रहते हो। मनुष्यस्य एव तवापि हस्तौ पादौ च सन्ति, मनुष्यस्य मनुष्य के इव समान तवापि तुम्हारे पास हस्तौ पादौ हाथ और पैर सन्ति हैं, ठीक है, हस्तौ पादौ च हाथ और पैर, मनुष्य के समान ही तुम्हारे पास हाथ और पैर हैं। कथम त्वं गृह निर्माणम न करोसि, कथम मतलब क्यों, किस लिए, त्वं तुम गृह निर्माणम घर का निर्माण न करोसि, नहीं करते हो, किस लिए तुम घर का निर्माण नहीं करते हो, पश्य यद्यपि वयम निर्बला लघु जीवाश्च स्मः तथापि स्वगृहाणि रचित्वा सुखेन निवसामः, बस देखो यद्यपि हम लोग निर्बल लघु जीवाश्च और निर्बल और छोटे जीव स्मः हैं, क्या कह रहे हैं, देखो यद्यपि हम लोग निर्बल और छोटे जीव हैं तथापि स्वगृहाणि फिर भी स्वगृहाणि अपना घर रचित्वा बनाकर सुखेन निवसामा सुख से रहते हैं, क्या करें, देखो यद्यपि हम लोग निर्बल और छोटे जीव हैं फिर भी अपना घर बनाकर सुख से रहते हैं। इतच्छुत्वा ये संधि हुई है एतत प्लस श्रुत्वा की, ठीक है, इसमें एतत प्लस श्रुत्वा होगा, ठीक है, एतत मतलब ऐसा, श्रुत्वा मतलब सुनकर, तो इसको मिला दिया गया तो एतत श्रुत्वा हो गया है। ऐसा सुनकर वानरः क्रोधितो अभवत, बंदर क्रोधित हो गया, ठीक है, यह सुनकर बंदर, ठीक है, वानरः मीन्स बंदर क्रोधितो अभवत, क्रोधित हो गया। क्षुद्र प्राणी माम उपदिशत, क्षुद्र यानी कि तुच्छ प्राणी माम मुझे उपदिशत उपदेश देता है। अब ये सुनके जब बंदर गुस्सा हो गया तो क्या बोल रहा है, तुच्छ प्राणी मुझे उपदेश देता है। एतत् चिंतित्वा कुपितः वानरः खगानां अनाशयत, क्या बोल रहे हैं, एतत् चिंतित्वा यह सोचकर कि यह क्षुद्र प्राणी मुझे उपदेश दे रहा है, यह सोचकर कुपित हुआ यानी कि गुस्सा में आया यानी कि क्रोधित हुआ बंदर ने क्या किया, खगानाम पक्षियों के निदान घोंसले को अनाशयत नष्ट कर दिया। यह सोचकर कि यह तुच्छ प्राणी मुझे उपदेश दे रहा है, यह सोचकर क्रोधित हुए बंदर ने पक्षियों के घोंसलों को नष्ट कर दिया। बेचारे पक्षी उसको उपदेश देने चले थे, सही बात बता रहे थे लेकिन वही है कि मूर्खों को उपदेश नहीं देने चाहिए, अच्छी सलाह हजम नहीं होती है सबको, तो वही हाल हुआ उस बंदर का, उसने गुस्से में आके उन्हीं के घर नुकसान कर दिया, तोड़ दिया, तो अब बेचारे पक्षी बेघर हो गए। तो इसीलिए कहा गया है सत्यमेव कथयन्ति नीतिकारा, नीतिकारों ने सत्य ही कहा है, क्या कहा है, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, क्या कह रहे हैं, उपदेशो ही मूर्खाणाम, मूर्खों को उपदेश देने से प्रकोपाय न शांतये, प्रकोपाय मतलब क्रोध, न शांतये नहीं शांत होता है, ठीक है,
क्या कह रहे हैं, प्रकोप को शांत करने के लिए अगर मूर्खों को उपदेश देंगे तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, मूर्खों को उपदेश देने से उनका क्रोध शांत नहीं होता है अपितु बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? जैसे पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। आप सांप को दूध पिलाइए तो सांप में विष ही बढ़ेगा, क्योंकि सांप का स्वभाव है विष उगलना। तो मूर्खों का भी स्वभाव है अपनी दुष्टता प्रकट करना। वैसे ही कह रहे हैं कि मूर्खों को उपदेश देने से उनका क्रोध शांत नहीं होता है अपितु बढ़ जाता है, क्योंकि जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से उसका विष केवल बढ़ता है। तो आप लोग ये नीचे से भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से उसका विष केवल बढ़ता है, वैसे ही मूर्खों को उपदेश देने से उनका क्रोध शांत नहीं होता है अपितु बढ़ जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका खगह वानराचा पाठ और उसका हिंदी अनुवाद। आपको कैसी लगी ये पक्षी और पक्षियों और बंदर की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जो आपकी क्लास में हैं उनके साथ शेयर करिए। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारे वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।